कैसे हैं? वेलकम टू अनदर व्लॉग. जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. थैंक यू सो मच भाई पिछले व्लॉग देखने के लिए आए. तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं यहीं से. आ रहे हैं गर्मी के मौसम में आम ना खाए. वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, गर्मियों में आम क्यों आते हैं? इसकी तस्वीर तो वैसे गर्म होती है और आते भी गर्मियों में ही है. सर्दियों में नहीं होने चाहिए मैंगोस हैं? ये साइंटिस्ट बन रही है. बस मैंने सोचा जब तक ये गर्म है सर्दियों में होने चाहिए. और ये पीएचडी कर रही है. एनीहाउ, मैंगो मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे दे नहीं रहा. मैं कब से मांग रही हूँ, खिला दो थोड़ा सा. एक मिनट, हाथ से, अपने हाथ से जल्दी खिलाओ. ये देखो इसकी हरकतें चेक करो. मुझे मैंगो नहीं खिला रहा. कोई नहीं, मैं अपना मैंगो ले आती हूँ, मैं आपको भी नहीं खिलाऊंगी. रुको रुको, खिलाता. बस इतना ही होता है. अब पक्का मुझे भी खिलाओ. क्या मैंगो? ये क्या बात होती है बिलाल, मुझे भी दो मैंगो. काट के दो यार. काट देता हूँ मैं अपनी वाइफ को, अपने हाथों से काट के दूंगा. ऐसे कैसे? ठीक है, ये देखो छिलके के बगैर. लाल मैंगो खिला दो यार. सारा मैंगो खा गया यार, मैं हम दोनों के लिए लाई थी. देखो जरा कितनी गलत बात है, शेयर भी नहीं कर रहा मेरे से. मैंगो ही दे दो यार, थोड़ा सा खिलाओ मैंगो. आप तो आ नहीं रही, तू दूसरे बैक कैमरे से करो ना. तो भाई जान, सीन कुछ ऐसे हैं कि हमें एक ब्रांड नेचर डिवाइन पीके की तरफ से एक पार्सल रिसीव हुआ है. तो उसमें उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स भेजे हैं हमें. उन्होंने कहा कि भाई रिव्यू करके आप प्लीज़ बता दें. तो हम अभी रिव्यू करेंगे उसका, और आपको अगर पसंद आए जो भी ऑनेस्ट रिव्यू होगा प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे. तो प्लीज़ जाके अगर हमें पसंद आएगा तो प्लीज़ जाके ज़रूर ख़रीद रहे हैं. आपने यही वीडियो मैं टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी, और इंस्टाग्राम पेज पे भी, फेसबुक पेज पे भी, सब पे लगा दूंगा. तो जो जो देख रहा है उस पेज के ऊपर जाए, मैं पेज के लिंक भी दे दूंगा नीचे. तो उस पेज के ऊपर जाए, ब्रांड के ऊपर जाए और जाके ज़रूर ख़रीदे. तो जान, ये हमें पैकेज रिसीव हुआ है नेचर डिवाइन पीके. इसमें सैनिटाइज़र वगैरह है, अभी देखते हैं इसमें क्या क्या है. और nonwovenbags.pk.com की तरफ से ये आया. तो हम लिंक्स इनके डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे. तो आपको अगर ख़रीदना होगा तो जाके ज़रूर ख़रीदिएगा. अभी हम इसे अनबॉक्स करते हैं. लेट्स सी. इसकी फर्स्ट लुक ये है, ऐसे इन्होंने पैकिंग शैकिंग करके भेजी है. अभी देखते हैं कलर क्या. तो सबसे पहले जो निकला है दैट वाज हैंड सैनिटाइजर. और हैंड सैनिटाइजर आजकल के दौर में मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए. या क्योंकि अभी तक अभी कोविड हो के गया है, तो हमें हैंड सैनिटाइजर लाजमी. और पैकिंग इसकी बहुत ही अच्छी है, फुल प्लास्टिक किया हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है नेचर डिवाइन. nature divine.pk की तरफ से आया ये. और ये बहुत ही अच्छा और अच्छा लग रहा है देखने में. पैकिंग वाइज अच्छी है. पैकिंग देखो ना, सही प्लास्टिक पैकिंग है, जरा भी लिक्विड इसका बाहर नहीं गिर सकता. जो चीज क्वालिटी की होती है ना, उसकी पैकिंग से पता चल जाता है. किल 99% भाई खत्म कर देगी. तो एक ये है. ओके, नेक्स्ट है हैंड रब. तो एक है हैंड रब, ठीक है. ये भी नेचर डिवाइन की तरफ से ही आया, ठीक है. और इसमें मतलब आप डाल के खाशा धो, आते जाते आप फ्रेश रहो. ओके, नेक्स्ट वन है हैंड रब. ये मतलब छोटे पैक में है, पेन टाइप कर सकते हैं इसको. मतलब कस्टमाइज भी आप कहीं भी लेके जा सकते हो. तो इसमें ये भी अल्कोहल हैंड रब है, ये भी नेचर डिवाइन की तरफ से ही आया. थैंक यू सो मच नेचर डिवाइन. वाओ, ये तो मैं रखूंगी, मैंने आपको नहीं देना. और ये 1 2 3 4 5 हैंड सोप. वाओ, ये हैंड सोप है, एंटी बैक्टीरियल सिट्रस. और ये डिफरेंट कलर्स में तो मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा है ना, मैंने तो हर जगह रख देना घर में. आते जाते सवाल करने के लिए. बंदा ये इजीली आप बैग्स में भी रख सकते हो, फीमेल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है. क्योंकि अक्सर जब आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हो तो डिफरेंट जगह पे आपको वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें नहीं होती सोप वगैरह. तो आप इसको, इसके लिए भी है
स्पेशली जब ट्रैवलिंग के लिए आप जाते हैं तो डिफरेंट जगह पे आपको वॉशरूम यूज़ करने पड़ते हैं, और वहाँ पर सीरियसली कोई सोप नहीं पड़ा होता, तो आपको ये हैंड सोप रखना चाहिए बैग में, ताकि आप इजीली अपने हैंड वॉश कर सकें और बैक्टीरिया किल कर सकें, क्योंकि आजकल का जो माहौल है आपको सैनिटाइजर जरूर यूज़ करने चाहिए। इनका कहने का मकसद है सिर्फ लेडीज ही साफ सुथरी रहती हैं, बॉयज नहीं रहते, तो हम भी कैरी कर सकते हैं, ये इजीली कैरिएबल है। या आप इसे किसी भी छोटे से पर्स में डाल सकते हैं, इस तरह इन्होंने ये पेन टाइप दिया है, तो आई एम इम्प्रेस्ड। छोटा सा है, आप कहीं भी पर्स की किसी कोने में रख सकते हैं। naturedivine.pk की तरफ से थैंक यू नेचर डिवाइन। अभी और भी बहुत कुछ है, लेट्स सी और क्या क्या है। ओके, ये शॉपिंग बैग्स लग रहे हैं। ओके, ये दीज आर द शॉपिंग बैग्स आई गेस। पैकिंग चेक करो यार, इतने क्यूट पैकिंग है, मैं तो सारी रख ली ना। सारी रखने ना तो आने वास्ते ही भेजा होगा। अच्छा, ये शॉपिंग नहीं, जाय नमाज है। ये है जाय नमाज। ओके, ये डिफरेंट ब्रांड है, मतलब उन्हीं का ही है, डिफरेंट है, तो उनका है वोवन डॉट बैग्स की तरफ से आया। ये बड़ा ही कैरिएबल, मतलब इन्होंने ये स्पेशली उन लोगों के लिए है ट्रैवलिंग पर्पस के लिए। या ट्रैवलिंग पर्पस के, आपको अगर आप ट्रैवल करना है बिल्कुल, कोई आपने देखा है इतने से पैकेट में आप इसको रखो, और ये तो मतलब हम ट्रैवल करते हैं, हम अक्सर घूमने फिरने जाते हैं, तो हमें नमाज का बहुत होता है कि पूरा एक वो बड़ा वाला रखो, तो ये तो बड़ा ही अच्छा हो गया, ये वहीं बिछाएंगे और वहीं नमाज पढ़ेंगे। यार सबसे प्यारी चीज़ मुझे ये लगी है, क्योंकि हम जब कुमरात वैली भी गए थे तो हमें जानमाज लेके जानी पड़ती, वो थोड़ी थिक थी और उसने काफ़ी स्पेस ली थी, तो ये चेक करें, ये इतना सा बैग है, ये तो लेडीज़ का छोटा सा हैंड बैग नहीं होता, उसके अंदर भी आ जाएगा। तो आप ये बिल्कुल मतलब आप ऐसे करके रख लो, और कहीं भी जानमाज निकाल के आप प्रेयर अपनी पूरी कर लो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। थैंक यू नेचर डिवाइन, नेचर वुमन बैग्स, थैंक यू। या नेचर वुमन बैग्स बहुत प्यारी है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये उन्होंने कुछ शॉपिंग बैग्स हैं। ओके, ये भी हमारे काम के हैं, हम जाते हैं हर महीने शॉपिंग करने और पूरे 35 रुपए लेते हैं, वो पूरे 35 रुपए लेते हैं और इतना ही बैग देते हैं, और इतना ही बैग देते हैं, इससे ये इससे छोटा ही होता है, 35 रुपए पूरे लेते हैं और वो देते हैं, चलो अब हम ये लेके चले जाएंगे, और ये मेरे थैंक यू सो मच, मजबूत भी लग रहा है यार, क्योंकि हमारी हुकूमत ने प्लास्टिक बैग से मना किया हुआ है, तो हमें भी चाहिए कि वो प्लास्टिक बैग हम ना यूज करें, हम इस तरह के ऑर्डर करें। तो आप naturewoman.pk, मैं इसके दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इस यूट्यूब के वीडियो पे भी, टिकटॉक वीडियो पे भी, फेसबुक वीडियो पे भी, मैं सारी जगह पे, ठीक है, तो प्लीज़ जाइए, काइंडली विजिट कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी। ये भी उन्हीं के बैग्स हैं, शॉपिंग बैग है ये एक्चुअली। ओके, व्हाट इज दिस, ये भी जानमाज लग रही है मुझे, पता क्या है उसके ऊपर बिछाने के लिए तो नहीं है ये। नहीं, अच्छा ओके, ये दूसरे प्रिंट में, वाइट प्रिंट में, ये वाइट प्रिंट में जानमाज ही है, वाइट प्रिंट में, बहुत प्यारी है यार। ये भी nonwovenbags.com.pk की तरफ से है, तो थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी चीज है, और सारी यूज की है, और स्मार्ट थिंग्स नहीं होते जैसे कहते हैं स्मार्ट, हर चीज स्मार्ट है, आप कहीं भी यूज कर लो, अपने बैग्स में रखो और ले जाओ। या तो दिस इज़ वेरी गुड, थैंक यू सो मच nonwomanbags.pk एंड naturedivine.pk, थैंक यू सो मच। अगर किसी को भी ऑर्डर करना है तो प्लीज़ ये कैरिएबल चीज़ें हैं, लाजमी ऑर्डर कीजिएगा, और इतनी सी चीज़ है ये, देखो ना सिंपल छोटे से बैग में आ जाती है। थैंक यू। हेलो जी, वेलकम बैक टू, नहीं भाई वही व्लॉग चल रहा है, आप लोगों ने वो देखा हमने पीआर किया था यार, वो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, जाके खरीद लेना। तो अभी हम टाइम हुआ है ऑफिस का, और ऑफिस के लिए हम निकल रहे हैं, मैडम पीछे हो रही है तैयार, आप देख सकते हैं ये क्या खिलारा मचाया हुआ, इन्होंने वीडियो शीडियो बनाई है अभी पीआर के लिए। थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, और अभी हम जा रहे हैं ऑफिस। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करो यार, ठीक है, तो आज जो आप भी चलते हैं और आज का दिन गुजारते हैं आपके साथ ही फिर से, जय भी दास, चलो भैया ऑफिस चले, चलो चलो, आज दोपहर को आके ना जामुन खाएंगे। क्या कह रही हो, दोपहर को आके जामुन खाएंगे, जामुन, कौन सा जामुन, जूस। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, ये मैडम ये जूस शूस बनाती हैं, और इसमें से एक घूंट भी मुझे नहीं मिलता, सारा पी जाती हैं। चलो यार चले ऑफिस चले, जामुन खाएंगे, जामुन, यप, ठीक है, लेट्स गो लेट्स गो। लाइटें भी ऑफ करनी होती हैं, पता है आपको, बिजली का बिल बहुत आने लग गया, अरे यार इस दफा बाकी ज्यादा आया। यार स्टेज आज का सोचते हैं, आपको
यार ऐसा उतरो गंदे बच्चे, इतनी तेज ये स्टेज होते हैं, मैंने इसे इतनी दफ़ा कहा है कि आहिस्ता उतरा करो, मुझसे पता नहीं कौन सी जल्दी पड़ी होती है। ऑफिस से जाना है? नहीं बॉस, एक्सीडेंट लगाता तुम्हारी। खुद तो ये हील्स पहन के फिर रही होती है, ठीक है, तो खुद इससे चला नहीं जाता और दूसरों को भी कहती है कि भाई जी। ये बिलाल का ना रोज़ का काम है, रोज़ आता है मुझे यहाँ गर्मी में गाड़ी में बिठा के पानी भरने लग जाता है। इसे कहा भी है रात को पानी कंप्लीट कर लिया करो। ओए जल्दी आओ, अब रोज़ पानी भरने लग जाते हो, एक ही काम है आपको, आ जाओ बस, हो गया पानी। और अलार्म लगाने को मुझे कहता है कि याद रखा करो मैंने पानी भरना है। जब तक नई गाड़ी नहीं आती ना तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ जी, ठंडा पानी पाओ, फिर बर्फ़ वाला, फ्रीज़र वाला पानी पाओ।